Everyone, the topic of today's session is algebraic identity, and the first identity is x plus a into x plus b is equal to x square plus a plus b into x plus a into b. Okay, यहाँ पे क्या रहेंगे ये जो दो expression थे first term is same and second term of both of these is different. Then this identity is applicable here. So let take one example. 2x minus 3 into 2x plus 5. Now first term is same, but other terms are not same. Identity ऐसे लिखी जाएगी आपकी. Formula लिखना है x square plus a plus b into x plus a into b. Value put करने का और तरीका उसे बोलते हैं cyclic order. We have three terms here, 2x, minus 3 and 5. एक हमारे पास 2x है, एक हमारे पास minus 3, एक हमारे पास plus 5 है. वो यहाँ पे cyclic order में put करेंगे. 2x, minus 3, 5, 2x, minus 3, 5. Okay? Now, is equal to 2x square, 4x square is x square, plus square bracket, minus 3 and plus 5 subtract होंगे, and we will get plus 2. Into 2x plus into minus minus 3 5 जा 15 तो इसी कर दो जाएगा 4x square plus 2 2 जा 4x minus 15 this is our answer. तो अगर इसको मैं split करता हूँ तो मुझे factorization करने पर ये answer मिलेगा और method use होगा तो बोलेंगे splitting का middle term method उसको करने पर ये answer मिलेगा. Okay, multiply से ये मिलेगा, factorization से ये मिलेगा answer. Now other example is minus y square plus 7 into minus y square plus 3. First term is same and other two terms are not same. So we will write the formula like this. X square plus a plus b into x plus a into b. Okay, three terms are plus. एक हमें minus y square, दूसरी है plus 7 और तीसरी है plus 3. वो हम यहाँ पे order put करेंगे. माइनस वाई स्क्वायर 7 3 माइनस वाई स्क्वायर 7 3 फॉर्मूला को रटने की जरूरत नहीं है आपको. ऐसा नहीं एक ही जगह ए बी की जगह भी ऐसा कुछ नहीं है. साइक्लिक ऑर्डर में वैल्यू पुट होती है हमेशा हर फॉर्मूले में. नाउ माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस और वाई का स्क्वायर इज 2 into 2 4 तो वाई टू दावर 4 प्लस हम दोनों पॉजिटिव हैं तो 7 plus 3 10 इंटू माइनस वाई स्क्वायर सब प्लस है तो प्लस 7 3 21 तो आंसर आएगा y टू दी पावर 4 प्लस इनटू माइनस माइनस 10 y स्क्वायर प्लस 21. नाउ एक क्वेश्चन ये ले लेता हूं 3 माइनस 2x इनटू 4 माइनस 2x. अब ये इस फॉर्म में नहीं दिख रहा है पर आराम से चेंज हो सकता है. यहां पर देखो ये टर्म सेम है तो हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं. ऐसे लिख सकते हैं इसको माइनस 2x प्लस 3 एंड माइनस 2x प्लस 4 तो ये फॉर्म इसमें आ जाएगी. ओके ऑर्डर चेंज कर दिया ना माइनस 2x पहले लिख दिया प्लस 3 बाद में यहाँ पे माइनस 2x पहले लिख दिया प्लस 4 बाद में और फॉर्मूला ये है हमारे यहाँ पर ए स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स एक्स इज फर्स्ट टर्म तो तीन टर्म पुट करने मुझे माइनस 2x 3 और 4 तो माइनस 2x 3 4 माइनस 2x 3 एंड 4. ओके नाउ माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 7 इंटू माइनस 2x प्लस 3 4 जा 12 तो आंसर आ गया हमारा 4 एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 7 2 जा 14 एक्स प्लस 12 तो दिस इज आवर आंसर. ओके एंड दिस इज अ बेसिक आइडेंटिटी. बाकी जितनी भी आइडेंटिटी है वो सब इसी से मॉडिफाई होकर मिलती है हमें. नाउ वी विल डू सच क्वेरी इवैल्यूएट फॉलोइंग विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन यानी विदाउट डूइंग एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन वी इवैल्यूएट द फॉलोइंग एंड बाय यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी. ओके नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज 107 इनटू 96 तो दोनों की राउंडिंग कहां पर होगी 100 पे होगी राउंडिंग
107 is 100 plus 7 and 96 is 100 minus. 100 minus what? 100 minus 4. तो ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी, फर्स्ट टर्म सेम है दोनों 100 एंड ये दो टर्म सेम नहीं है, तो आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी. तो हम लिख देंगे यहां पर ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी. और हमारे तीन टर्म 100 7 और माइनस 4 यहां ऑर्डर से पुट कर देंगे 100 7 माइनस 4 100 7 माइनस 4. ओके नाउ 100 का स्क्वायर दो जीरो के चार जो है ना वन पेयर एंड दूसरा पेयर. ओके नाउ 7 एंड माइनस 4 सबट्रैक्ट हो गया, वी विल हैव 3 इंटू 100 प्लस इंटू माइनस माइनस 7 हो जाएगा 28. तो 100 एंड 00 प्लस 300 माइनस 28. आप 300 पे 28 सबट्रैक्ट कर दो एक बार तो यहाँ आएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा आई थिंक 7 एंड 2 272 आएगा. तो इसमें ये ऐड करेंगे हम तो आंसर आएगा 10272. तो ये आंसर हो गया. द क्वेश्चन इज इवेल्युएट दिस विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, हेंस वी हैव टू यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी एंड सुटेबल आइडेंटिटी इज एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बिकॉज फर्स्ट टर्म सेम है और सेकेंड टर्म सेम नहीं है. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर बी लेगा, वहां लिखा 1003 इंटू 1005 दोनों की राउंडिंग होगी 1000 पर और दोनों 1000 प्लस है यानी 1000 से ज्यादा है और ये है 1000 प्लस 3 एंड दिस इज 1000 प्लस 5. फर्स्ट टर्म सेम है ना तो ये आइडेंटिटी लगी कौन सी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी. तीन टर्म कौन सी हमारे पास 1000 3 5 1000 3 एंड 5. ओके नाउ आपको स्क्वायर करना है तो 3 0 दो बार लिखे जाएंगे एक पेयर एंड दूसरा. नाउ ये दोनों ऐड होंगे 3 प्लस 5 कितने होंगे 8 इंटू 1000 प्लस 3 5 15 इजिकल टू 000 एंड अगेन 000 प्लस 8000 प्लस 15. तो आंसर हमारे क्या हो जाएगा 1 8 0 1 5 0 0 ये 1 ये 1000 प्लेस हो गए यहां तो आ गया 8 0 1 5 300. तो दिस इज आवर आंसर. ओके नाउ थर्ड क्वेश्चन इज 998 into 996 दोनों की राउंडिंग कितना होगी 1000 होगी और दोनों ही 1000 माइनस है यानी 1000 से छोटे नंबर है. 998 इज 1000 माइनस 2 एंड दिस इज 1000 माइनस 4. फर्स्ट टर्म सेम है ना, फर्स्ट टर्म सेम होनी चाहिए तो ये एडिट लगती है और सेकंड टर्म सेम नहीं होती है तो वी विल गेट हैव एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी. हमारा तीन टर्म है 1000 माइनस 2 माइनस 4 1000 माइनस 2 माइनस 4 1000 माइनस 2 माइनस 4. ओके नाउ इसका स्क्वायर करना है तो ये ग्रुप तीन दो बार लिखना पड़ेगा, क्यूब करना होगा तो तीन बार लिखते हैं. दोनों ही नंबर नेगेटिव इंटीजर है, ऐड होंगे, ऐड होके मिलेगा माइनस एक्स, प्लस एक्स नहीं मिलेगा माइनस एक्स मिलेगा. माइनस सिक्स इंटू 1000 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 4 8 तो 1000 एंड अगेन 000 माइनस 6000 प्लस 8. ओके एक दो तीन में से एक दो तीन जीरो गए तो नाउ यहां पर होगा 10 में 6 गया तो 4 यहां दोनों जगह क्या होंगे 9 प्लस 8 तो 994008 दिस विल बी आवर आंसर. और ये हमने क्वेश्चन किया विदाउट डूइंग एक्स्ट्रा मल्टीप्लिकेशन एंड यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी. ओके नाउ इन दिस फॉर्मूला वर फर्स्ट टर्म इज सेम एंड सेकेंड टर्म इज नॉट सेम, व्हाट इफ इट सेकेंड टर्म इज ऑल्सो सेम. ओके यानी हमारी सेकेंड टर्म सेम हो जाएगी तो क्वेश्चन कैसे देखेगा हमें ऐसे
एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए, तो फॉर्मूला ऐसे लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए इंटू ए, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। और अगर एक्स की जगह मैं लिख दू बी, तो फॉर्मूला ऐसे लिखेगा आपको बी प्लस ए इंटू बी प्लस ए, इसका मतलब क्या होता है बी प्लस ए स्क्वायर किसके इक्वल आएगा बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस ए स्क्वायर। तो जो हमारा फॉर्मूला बचपन से पढ़ता रहे फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो इसी फॉर्मूले की मॉडिफाइड फॉर्म होती है। ओके एक फॉर्मूला और हमने सीखा है ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, बट दिस फॉर्मूला इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूला। तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और जैसे हम ब्रैकेट खाली ब्रैकेट लगाकर फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ओके तो जब हम आईडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं वो ये आईडेंटिटी यूज करेंगे, सेकेंड आईडेंटिटी हमारी ये है जो भी हम यूज करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके तो लेट्स टेक वन एग्जांपल, दैट इज माइनस टू एक्स प्लस थ्री इंटू माइनस टू एक्स प्लस थ्री। ओके फर्स्ट टर्म इज सेम एंड सेकेंड टर्म इज सेम, दिस मीन दिस इज रिटर्न एज माइनस टू एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला अप्लाई होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, तो ऐसे अप्लाई करेंगे हम ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके यहां पर आएगा माइनस टू एक्स, यहां पर आएगा थ्री माइनस टू एक्स थ्री, दो ही टर्म है हमारे पास यहां पर एक माइनस टू एक्स और एक थ्री, तो ऑर्डर पुट करते रहेंगे माइनस टू एक्स थ्री माइनस टू एक्स थ्री। ओके नाउ माइनस का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर एंड एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस टू थ्री या सिक्स, सिक्स टू या ट्वेल्व एक्स प्लस नाइन। ओके लिखा हुआ है क्वेश्चन आप लोग लाइक दैट माइनस थ्री माइनस टू इंटू माइनस थ्री माइनस टू, तो अब तो ये आपको ऐसे किसी फॉर्म में नहीं दिखेगा, ना ए प्लस बी दिखेगा ना ए माइनस बी दिखेगा, बेसिकली ऐसे लिखा हुआ है माइनस थ्री माइनस टू होल स्क्वायर। पर अगर आप इसी फॉर्मूले को यूज करके हैबिचुअल हो जाते हो तब ऐसे लिखोगे फिर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दो टर्म है हमारे पास, एक टर्म है माइनस थ्री और दूसरी टर्म है माइनस टू, तो हम लिखेंगे माइनस थ्री माइनस टू माइनस थ्री एंड माइनस टू। नाउ स्क्वायर और माइनस थ्री क्या होता है प्लस, तो टी स्क्वायर माइनस टू माइनस प्लस टू टू जा फोर फोर टी प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस टू टू जा फोर, ऐसे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फॉर एग्जाम्पल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस सेवन जेड होल स्क्वायर इक्वल, तो आप ऐसे लिखो फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके फर्स्ट टर्म है टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म है माइनस सेवन जेड, तो टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस सेवन जेड टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस सेवन जेड, ऑर्डर में वैल्यू साइक्लिक ऑर्डर बोलते हैं सर पुट करनी है। नाउ स्क्वायर ऑफ टू इज फोर, एक्स स्क्वायर का एक्स टू पावर फोर वाई टू की पावर फोर, नाउ प्लस इंटू माइनस माइनस टू सेवन जो फोर्टीन फोर्टीन टू जो ट्वेंटी एट, नाउ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, क्योंकि लिटरल डिजिट ऑर्डर में लिखनी चाहिए हमेशा। नाउ माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस सेवन स्क्वायर फोर्टी नाइन और दिस इज जेड स्क्वायर। ओके तो ये तो नाइन्थ क्लास से स्पेशल, बाकी आगे फॉर्मूला में कैसे सिक्स सेवन एट फाइव क्लास में यूज करते आ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 होल स्क्वायर, वी फाइंड आउट इट्स वैल्यू विदाउट डूइंग एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन एंड यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, सो दिस इज 100 प्लस 3 होल स्क्वायर, फॉर्मूला इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके यहां पर आ जाएगा 100
तो ये क्या मैंने 103 ओके नाउ 100 का स्क्वायर ये पेयर दो बार रिपीट होगा नाउ 2 3 जा 600 प्लस 9 तो ऐड हो गए ये आंसर हो जाएगा. सिमिलरली ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास 998 होल स्क्वायर तो दिस इज 1000 माइनस 2 होल स्क्वायर तो यू विल राइट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वैल्यू विद साइन पुट होगी तो 1000 माइनस 2 1000 एंड माइनस 2 ओके नाउ तीन जुड़े ना दो बार लिखने पड़ेंगे आपको एक ग्रुप एंड देन दूसरा ग्रुप प्लस इनटू माइनस माइनस 2 2 जा 4 1 2 3 0 नाउ माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 3 0 ये 3 0 तो इनको सेपरेट करके 3 0 ही आएंगे यहां पर हो जाएगा 10 10 में से 4 गए तो 6 और यहां पे 99 प्लस 4 तो वी विल हैव 996004 दिस विल बी आवर आंसर एंड वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन विदाउट बीइंग एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन. टेक अनदर एग्जांपल 57 स्क्वायर फाइंड आउट करना है वी विल राइट इट लाइक दिस 50 प्लस 7 होल स्क्वायर फॉर्मूला इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर दो टर्म है 50 एंड 7 तो 50 7 50 एंड 7 ओके नाउ 50 का स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 और आगे 2 0 प्लस 52 जा 100 तो दिस इज 700 एंड 7 स्क्वायर इज 49 2500 एंड 700 होगा 3200 3249 विल बी आवर आंसर ओके नाउ वी विल डू सम एचओटीज फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज रूट 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड एक्स टू द पावर 4 अपॉन 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 ओके नाउ इट इज वेरी क्लियर इफ आई वांट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर तो मुझे ये जो एक्सप्रेशन है जो मुझे मिला है इस एक्सप्रेशन का ऑब्वियसली स्क्वायर करना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड और ये कोई सिंपल ही बात है अगर आपको स्क्वायर चाहिए तो अपने आपको स्क्वायर करना पड़ेगा नाउ फॉर्मूला इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 होगा हमें यहां पर लिखना है एक्स 1 अपॉन एक्स एक्स एंड देन 1 अपॉन एक्स ओके नाउ एक्स स्क्वायर यहां पर एक्स ही एक्स कैंसिल तो हमें मिलेगा प्लस 2 प्लस 1 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ये 2 उधर चले आएगा दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये जाएगा तो 5 माइनस 2 हो जाएगा दैट इज 3 तो फर्स्ट आंसर हमें मिल गया. नाउ अब मुझे एक्स टू पावर 4 प्लस तो ऑब्वियसली मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो आई विल हैव एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर नाउ फॉर्मूला इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर इज 9 यहां पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड देन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ओके नाउ पावर टू द पावर पावर मल्टीप्लाई होंगी तो आई विल हैव एक्स टू द पावर 4 प्लस यहां पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू 9 अगर 2 उधर जाएगा तो 9 माइनस 2 क्या हो जाएगा 7 तो हमारा आंसर क्या जाएगा एक्स टू दावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दावर 4 इज इक्वल टू 7 सिमिलरली अगर मुझे बोलता है एक्स टू दावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दावर 8 निकालो तो मैं इसका स्क्वायर करता तो मुझे मिल जाता पर अगर वैसे मुझे बोलता है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालो तो मैं इसका होल क्यूब करता जो हम बाद में सीखेंगे ठीक है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है 9x² + 25y² = 181
and xy is equal to minus 6, then find the value of 3x plus 5y. Okay? Obviously, अगर आप देखोगे 3x plus 5y, तो 3x square लिखा है 9x square और 5y का square लिखा है 25y square. तो obviously मुझे इसका square करना है. देखा है सिंपल 3x plus 5y whole square is equal to क्या होगा आपका a square plus 2ab plus b square. दो टर्म है हमारे पास 3x and 5y. 3x 5y 3x 5y. Okay. Now 9x square plus 2 5 is 10. 10 is 30. xy plus 25y square is equal to 9x square plus 25y square. ये साथ में लिखा plus 30xy. Now the value of this is 181. प्लस 30 एंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज माइनस 6. तो आ गया हमारा 181 प्लस इंटू माइनस माइनस 36 जा 180 इज इक्वल टू 1. तो आंसर हमारा हो गया 3x प्लस 5y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड वी वांट द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 5y. तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा. ठीक है ना, मैं इफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4. पर जब आप स्क्वायर लिखते हो तो यहां पर आपको प्लस माइनस लगाना है, दैट इज प्लस माइनस 2. यानी अगर ए की वैल्यू प्लस 2 होगी या माइनस 2 होगी, दोनों का स्क्वायर करने पर क्या मिलता है, 4 मिलता है. इसे यहां पे प्लस माइनस आएगा. तो 3x प्लस 5y की जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी 1 या होगी माइनस 1. बिकॉज 1 का स्क्वायर करने पर 1 मिलता है और माइनस 1 का स्क्वायर करने पर भी 1 मिलता है. जब भी आप स्क्वायर रूट करोगे तो आप यहां पे प्लस माइनस लगाओगे. कम से कम 9th क्लास से आपने उसके 8th में ऐसा नहीं किया है, पर आप 9th में ऐसा करोगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है प्रूफ दैट, टीटी मीन्स प्रूफ दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी. ओके, तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है. और सच इक्वेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप योर एनालिटिकल एप्टीट्यूड. तो हमने यहां 1/2 लिखा ब्रैकेट में, मतलब हम सब टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. कैसे ऐसा क्यों हो रहा है, देखो ए लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं ना 1/2, ऐसे लिख सकते हैं ना. अगर लिखा हो ए तो उसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 1/3 × 3 है, तो इसलिए हमने 1/2 लिखा. अभी सारी टर्म 2 से मल्टीप्लाई होंगे, जैसे लिखा जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca. ओके, नाउ 1/2. अब आप यहां a स्क्वायर दो बार है तो आप एक बार ऐसे लिखो a स्क्वायर, फिर ये लिखो सारे माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, a स्क्वायर b स्क्वायर दो बार थे, एक बार हमने लिख दिया. अब एक बार और लिख दिया हमने ए स्क्वायर माइनस 2ca और एक सी स्क्वायर, ये लिखा हमने साथ वाले यहां पर. अब दोनों ए स्क्वायर हो गए, दोनों ए स्क्वायर हो गए, ये भी हो गए. अब बचा हमारा ए बी स्क्वायर, एक सी स्क्वायर और माइनस 2bc. तो हम उसको ऐसे लिखा बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर. ओके, नाउ 1/2. तो ये किसका फॉर्म बन गया, a माइनस बी होल स्क्वायर. ये किसका बन गया, a माइनस सी होल स्क्वायर. ये किसका बन गया, b माइनस सी होल स्क्वायर. आप चाहते तो b माइनस ए होल स्क्वायर भी ले सकते हो, यहां पे c माइनस ए भी ले सकते हो, c माइनस बी, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, a स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव. यानी स्क्वायर ऑफ n ऑफ एनी नंबर, रियल स्क्वायर ऑफ रियल नंबर आर ऑलवेज पॉजिटिव. स्क्वायर ऑफ रियल नंबर आर ऑलवेज पॉजिटिव. इसलिए a माइनस बी भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी, ये दे ऑल आर पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a b एंड c. बिकॉज स्क्वायर ऑफ रियल नंबर आर ऑलवेज पॉजिटिव, हेंस दिस नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, हेंस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी. ओके नाउ द नेक्स्ट आइडेंटिटी इज ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए. ओके अभी थोड़े पहले हमने जो आइडेंटिटी करी थी उसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखा तो आपको कहा था विद साइन वैल्यू पुट करनी चाहिए. अब अगर आप ये आइडेंटिटी देखो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर और अगर आप विद साइन वैल्यू पुट नहीं करो तो आप कितने फॉर्मूले बनेंगे. एक बनेगा ए माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, एक बनेगा ए प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर, एक बनेगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, एक बनेगा ए माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर. तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे. इसलिए हमारे पास हमेशा हमारी हैबिट एज एबिक आइडेंटिटी में विद साइन वैल्यू पुट करने की होनी चाहिए. ओके नाउ दीज आर द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 4. द फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर. x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर तो हम फॉर्मूला लिखेंगे ब्लैंक ब्रैकेट लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. ये प्लस यहां होगा यहां नहीं होगा यहां नहीं होगा. हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे साइन उनसे टर्म के आगे होता है. ओके अब हम विद साइन वैल्यू पुट करेंगे. हमारी एक टर्म x है दूसरी टर्म 2y है तीसरी टर्म 4z है. साइकिल ऑर्डर का मतलब क्या होता है एक सर्कल बनाओ आप यहां पे लिखो x यहां लिखो 2y और यहां लिखो 4z. साइकिल ऑर्डर x 2y 4z x 2y 4z x 2y 4z तो वैसे वैल्यू पुट होगी x 2y 4z x 2y 4z x 2y 4z. ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि यहां a है तो a क्यों नहीं आया ठीक है ना. ऑर्डर ये केवल फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए ये केवल याद करने के लिए आप ब्लैंक ब्रैकेट लगाओ और साइक्लिक ऑर्डर में टर्म को लिखते रहो. नाउ आंसर क्या हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16 सबका स्क्वायर करना है 4 का भी स्क्वायर होगा सबका होगा. नाउ प्लस 2 टू जा 4xy प्लस 2 4 जा 8 8xz प्लस 2 टू जा 4 4 4 जा 16 16yz और आपका आंसर हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 दैट इज 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर. तो फॉर्मूला है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. अब हमारे पास तीन टर्म जो है एक टर्म है हमारे पास 2x एक टर्म हमारे पास माइनस 4y और तीसरी टर्म हमारे पास जेड है. तो मुझे ऑर्डर है 2x माइनस वाई जेड ये लिखना है 2x माइनस वाई जेड 2x माइनस वाई जेड 2x माइनस वाई जेड. इसे बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर पुटिंग वैल्यूज इन साइक्लिक ऑर्डर. तो 2 का स्क्वायर 4 x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है कभी भूलना नहीं है y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 2 टू जा 4xy प्लस 2 टू जा 4xz प्लस इंटू माइनस माइनस 2yz एंड थर्ड लाइन आंसर आ जाएगा. नाउ पार्ट नंबर 3 पार्ट नंबर 3 में लिखा माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z होल स्क्वायर. तो फॉर्मूला हमारा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab. इन ब्रैकेट के बीच में जगह नहीं छोड़नी है आपको ऐसे नहीं लिखना है ये ब्रैकेट ऐसे ऐसे नहीं लिखना है प्लस 2bc प्लस 2ca. अब तीन टर्म कौन से हमारे पास एक टर्म है माइनस 2x दूसरी टर्म है 3y और ये टर्म है 2z.
तो माइनस टू एक्स थ्री बाई टू जेड, ये लिखना है मुझे और से, माइनस टू एक्स थ्री बाई टू जेड, माइनस टू एक्स थ्री वाई टू जेड, माइनस टू एक्स थ्री वाई एंड टू जेड. ओके नाउ माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस, तो ये है फोर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर प्लस फोर जेड स्क्वायर. ओके नाउ प्लस इंटू माइनस माइनस, फोर फोर जा टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व एक्स वाई, टू टू जा फोर एंड प्लस इंटू माइनस माइनस, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट एक्स जेड एंड देन प्लस टू थ्री जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व वाई जेड. ओके तो देखो सिंपल है, सिंपल तब तक ही है जब तक आप ब्लैंक ब्रैकेट लगाकर साइक्लिक ऑर्डिनेट में वैल्यू पुट करते हो, अदरवाइज आपको सोचना पड़ेगा. ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर फोर इज 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर. फॉर्मूला याद हो जाएगा वो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए. ओके तीन टर्म कौन थे हमारे पास अगर साइकिल बनाया वैसे करके, एक टर्म हमारे पास 3a, एक है माइनस 7b और एक है माइनस c. तो 3a माइनस 7b और माइनस सी पुट करना है मुझे. ओके 3a माइनस 7b माइनस c, 3a माइनस 7b माइनस c, 3a माइनस 7b एंड देन माइनस c. ओके नाउ ये हो जाएगा 9a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 7 का जब 49, b स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है प्लस c स्क्वायर. नाउ प्लस इनटू माइनस माइनस, टू थ्री सिक्स सिक्स सेवन जा 42 ए बी. नाउ प्लस इनटू माइनस माइनस, टू थ्री जा सिक्स हो गया सिक्स ए सी एंड प्लस इनटू माइनस माइनस, टू सेवन जा 14 बी सी. यहां पे तीन साइन नेगेटिव आ रहा है जो पॉसिबल नहीं है यहां पर, सॉरी माइनस इनटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस. इस फॉर्मूले के एक्सपेंशन में कभी भी दो से ज्यादा नेगेटिव साइन नहीं मिलता है, केवल दो ही नेगेटिव साइन मिलेंगे, ना तीन मिलेंगे ना एक मिलेगा. तो यहां पे गलती क्या करता है, माइनस इनटू माइनस प्लस नहीं लिख रहा है. नाउ पार्ट नंबर फाइव, माइनस टू एक्स प्लस फाइव वाई माइनस थ्री जेड होल स्क्वायर. फॉर्मूला आपका लिख दिया हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए. और हमें लिखे माइनस टू एक्स फाइव वाई माइनस थ्री जेड, माइनस टू एक्स फाइव वाई माइनस थ्री जेड, माइनस टू एक्स फाइव वाई माइनस थ्री जेड. ओके तो आपको मिल जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर, फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव वाई स्क्वायर. दिस इज माइनस का स्क्वायर प्लस नाइन जेड स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस, टू टू जा फोर, फोर फाइव जा ट्वेंटी एक्स वाई प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व एक्स जेड एंड प्लस इंटू माइनस माइनस, फाइव टू जा टेन, टेन थ्री जा थर्टी, थर्टी वाई जेड. दिस आर आंसर. नाउ पार्ट नंबर सिक्स, आपको ऐसे लिखना है उसको ए अपॉन फोर तो कंफर्टेबल रहेगा. अब लिखा वन अपॉन टू बी, पर आपको ऐसे लिखना है उसको माइनस बी अपॉन टू प्लस वन होल स्क्वायर. नाउ फॉर्मूला इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए. तीन टर्म कौन सी हैं, ए अपॉन फोर माइनस बी अपॉन टू वन, ए अपॉन फोर माइनस बी अपॉन टू वन, ए अपॉन फोर माइनस बी अपॉन टू वन. ओके नाउ ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर, वन का स्क्वायर वन होता है. यहां पर
इस टू से टू कैंसिल हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो हमें मिलेगा ए बी अपॉन फोर, अगेन टू से कैंसिल हो जाएगा, टू टाइम्स हमें मिलेगा प्लस ए अपॉन टू, यहाँ पे टू से टू कैंसिल होगा, प्लस इंटू माइनस 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 बी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ वी विल डू सम एक्टिविटीज। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए प्लस बी प्लस इक्वल टू टेन एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो जैसे पहले क्या था सेम वैसे ही रहेगा मेथड, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिख रहा है तो ऑब्वियसली इसका होल स्क्वायर करना है। वी हैव ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10, सो बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी हैव व्हाट वी हैव ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। माय फॉर्मूला इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए इज इक्वल टू 100। ओके नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू पता है कितनी है 16 है। ओके यहां तीनों में 2 कॉमन आ गया हमारा, तो हमें मिल गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और यहां लिखा हुआ हमारा 100, तो अगर 16 में कर जाएगा तो हमें मिलेगा 2 वाइज ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 100 माइनस 16, 100 माइनस 16 कितना होगा 84 होगा, तो ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 84। दिस इंप्लाइज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 84 अपॉन 2 इज इक्वल टू 42 एंड दिस इज आवर आंसर। ओके हर एक क्वेश्चन आपको यही करना है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके आप लिखोगे वी नो दैट ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। ओके नाउ द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज गिवन दैट इज 16, अगेन ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों में 2 कॉमन था तीनों में, नाउ 16 प्लस ट्वाइस ऑफ नाउ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वैल्यू इज 10, तो हमें मिला 16 प्लस 20 इज इक्वल टू 36। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, सो वी विल हैव ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर रूट ऑफ 36। अब स्क्वायर रूट करेंगे तो आगे प्लस माइनस आएगा, ये हमें क्लियर रखना है माइनस हमेशा के, तो आर आंसर विल बी प्लस माइनस 6। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में जाओ, आप वहां पे ए प्लस बी प्लस सी 9 दिया है, तो आप लिखोगे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 स्क्वायर इन बोथ साइड, वी विल हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए इज इक्वल टू 81। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 81, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू गिवन हमें कितनी है 23, तो दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 लिखा था, ये इधर आएगा तो 2 इंटू व्हाट इज वैल्यू 23, तो हमें मिल जाएगा 81 माइनस 46, 81 माइनस 46 गए तो 11 से 6 गए तो 5 और यहाँ आएगा 35, तो दिस इज आवर आंसर। ओके नाउ द फोर्थ आइडेंटिटी इज ए प्लस बी होल क्यूब। ओके एंड ए प्लस बी होल क्यूब इज रिटन एज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, दिस आइडेंटिटी कैन बी रिटन एज लाइक दिस ऑल्सो, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट टर्म जो है ए उसकी पावर डिक्रीज हो रही है, ए क्यूब है फिर पावर टू ही देन पावर वन एंड हियर पावर इज जीरो, और यहाँ पर जो सेकंड टर्म है बी उसकी पावर इंक्रीज हो रही है, यहाँ बी टू की पावर जीरो
b to the power 1, b to the power 2 and b to the power 3. And the coefficient term is 1, 3, 3, 1. So coefficient is 1, 3, 3, 1 which is the cube of 11. So formula ऐसा कोई learn करना मुश्किल नहीं है, बहुत simple formula. इस form में use करते normally और इस form में भी use किया जा सकता है. Now we will do these four questions of exercise 2.5 and question number 6. The part 1 is 2x plus 1 whole cube and our formula is a cube plus b cube plus 3a into b plus a plus b. मतलब जो ये bracket लिखा है वो as it is यहाँ पर copy हो जाएगा. इसलिए यहाँ पर 2x plus 1 है और हमारी दो टर्म है. फर्स्ट टर्म है 2x then 1 then 2x and then 1. Okay. Now cube of 2 is 8. X cube plus 1 का cube 1 plus 3 to the 6x into 2x plus 1 is equal to 8x cube plus 1 plus 6 to the 12 x square plus 6x. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ऐसे लिखेंगे 8x cube plus 12x square plus 6x plus 1. Okay. Now part number 2. That is 2a minus 3b whole cube. तो फॉर्मूला सेम a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. a plus b मतलब ये जो ब्रैकेट में लिखा है वो यहाँ पे कॉपी होगा. तो यहाँ पे आएगा 2a minus 3b और दो टर्म है हमारे पास. फर्स्ट टर्म है 2a एंड सेकंड टर्म इज माइनस 3b. तो हम लिखेंगे 2a माइनस 3b 2a माइनस 3b. ओके. नाउ 2 का क्यूब 8 8a क्यूब माइनस क्यूब क्या होता है माइनस 3 का क्यूब 27 b क्यूब प्लस इनटू माइनस माइनस 3 टू 6 6 3 जा 18 ab इनटू 2a माइनस 3b is equal to 8a cube minus 27b cube minus minus into plus minus 18 to the 36 a square b and then minus into minus plus 18 to 18 3 is 54 ab square. The standard form will be 8a cube a cube ke baad a square into minus 36 a square b plus 54 a b square minus 27 b cube. a cube फिर a square then a and e to the power 0. So this is in the standard form. Now question number 3. That is 3 by 2 x square. पर हम उसको कैसे लिखते हैं? 3 x upon 2 plus 1 whole cube. And we will get a cube plus b cube plus 3 a b into a plus b. a plus b मतलब ये ब्रैकेट ऐसे ही यहाँ पर कॉपी हो जाएगा 3x upon 2 plus 1 ऐसे ही कॉपी होगा. और दो टर्म है. फर्स्ट टर्म है 3x upon 2 एंड सेकंड टर्म इज 1 3x upon 2 एंड 1. ओके. नाउ द क्यूब ऑफ 3 इज 27 x क्यूब 2 का क्यूब 8 प्लस 1 प्लस 3 3 या 9 x upon 2 into 3x upon 2 plus 1. Now 27 x cube upon 8 plus 1 plus ये मल्टीप्लाई होंगे तो 27 x square upon 4 plus 9 x upon 2 1 से मल्टीप्लाई होगा. ऑर्डर सही करते हैं तो 27 upon 8 x cube plus 27 upon 4 x square plus 9 x upon 2 plus 1. Okay. Now we will do the part number 4 which is x minus 2y upon 3 whole cube and the formula is a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. a plus b मतलब ये bracket same copy होगा. x minus 2y upon 3. अब first term x है and second term 2y upon 3 है. तो x minus 2y upon 3 x minus 2y upon 3. Okay. Now x cube minus 2 minus 2 का cube 8
थ्री का क्यूब 27, वाई का क्यूब अगेन प्लस इंटू माइनस माइनस, इस थ्री से ये थ्री कैंसिल, तो माइनस टू एक्स वाई इंटू एक्स माइनस टू वाई अपॉन थ्री इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एट अपॉन 27 वाई क्यूब. नाउ माइनस इंटू प्लस माइनस, टू एक्स स्क्वायर वाई, माइनस इंटू माइनस प्लस, टू टू या फोर अपॉन थ्री एक्स इंटू एक्स एक्स एंड वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर. इसमें फॉर्म लिखेंगे तो हम एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यूब, प्लस फोर अपॉन थ्री एक्स वाई स्क्वायर माइनस एट अपॉन 27 वाई क्यूब. दिस इज आवर आंसर. ओके, नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 2.5. इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सॉर्टेबल आइडेंटिटी एंड वी वांट टू फाइंड आउट द 99 क्यूब. 99 इज 100 माइनस, यानी 100 से कम है. 100 माइनस 100 से कम, कितना कम? माइनस 1. और जब आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना होता है तो आइडेंटिटी इस फॉर्म में सूटेबल होती है. ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब. फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज होगी, यानी ए क्यूब, फिर ए स्क्वायर, फिर ए और ए की पावर 0. एंड सेकेंड टर्म की पावर इंक्रीज होती है, बी टू पावर 0, बी टू द पावर 1, बी टू द पावर 2 एंड बी टू द पावर 3. ब्लैंक ब्रैकेट लगाकर फॉर्म लिखेंगे, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब. और कॉफिशियंट क्या है? 1 3 3 1. 1 3 3 1 होता है 11 क्यूब. 11 क्यूब इज इक्वल टू 1 3 3 1 होता है. तो कॉफिशियंट भी ऐसे याद रख सकते हैं ना उसका. अब फर्स्ट टर्म में 100 एंड सेकेंड टर्म में माइनस 1. तो हम देखेंगे 100 माइनस 1, 100 माइनस 1, 100 एंड माइनस 1. ओके, नाउ क्यूब करना है इसे डबल जीरो तीन बार रिपीट होंगे, 1 टाइम्स 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स. अगेन प्लस 3 माइनस का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 100 प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 1 3 और 100 का स्क्वायर, तो ये दो बार रिपीट होगा 1 एंड डबल टाइम्स. नाउ माइनस का क्यूब माइनस माइनस 1, तो 1 00 00 एंड देन 00 प्लस 300 माइनस माइनस, ये दोनों ऐड होंगे तो मिलेगा 1 00 03 00 और ये दोनों होंगे ऐड, क्योंकि माइनस के हैं, तो मिलेगा 1 1 2 3 1 2 और ये होंगे सब्ट्रैक्ट. तो 10 में से बन गया तो 9, यहाँ पे 9 है, यहाँ था 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 10 है, 10 में से 9 गया तो 7 और यहाँ 9. तो दिस इज आवर आंसर. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्यूब ऑफ 102. क्यूब ऑफ 102, तो 102 इज 100 प्लस 2. फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब. ओके, तो यहां पर आएगा 100 2 100 2 102. क्यूब करने से 00 तीन बार लिखा जाए, 1 टाइम्स 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स प्लस 3 2 का स्क्वायर 4 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 00 00 प्लस 8. तो 1 00 00 00 प्लस 1200, सब प्लस के ही है ना, ये 1200 और ये 6, 1 2 3 4 और 6 क्या गया, ये 4 जीरो था एंड 8, इन सबको क्या करना हमें ऐड करना, तो ये आ गया 8 0 0 0 0 0 2 0 2 and 1 and 6 and 0 and 1. तो दिस विल बी आवर आंसर. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज डबल लाइन 8 क्यूब. नाउ उसकी राउंडिंग कितनी होगी? 1000 पर होगी और ये 1000 माइनस है. डबल लाइन 8 क्यूब इज 1000 माइनस 2 एंड फॉर्मूला इज ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर
प्लस बी क्यू, और यहां फर्स्ट टर्म है 1000 और सेकेंड टर्म है माइनस टू, 1000 माइनस टू, 1000 एंड देन माइनस टू। अब आप क्यूब करोगे तो ये ट्रिपल जीरो तीन बार रिपीट होंगे, वन टाइम्स, टू टाइम्स एंड देन थ्री टाइम्स, प्लस थ्री माइनस टू का स्क्वायर फोर इंटू 1000 प्लस इंटू माइनस माइनस थ्री टू जो सिक्स, ये दो बार रिपीट होंगे, वन टाइम एंड देन टू टाइम्स एंड माइनस का क्यूब माइनस और टू का क्यूब एट। तो आपको मिल गया 1000 एंड देन 000 प्लस 12000 माइनस 6000 माइनस 8, तो ये दोनों ऐड होंगे। ओके, तीन एक दो तीन जीरो, एक दो तीन जीरो, एक दो तीन, फिर ये दो प्लेस पर 12, एक दो तीन चार जीरो, एक दो तीन चार, चार जीरो एंड देन वन। अब ये होंगे यहाँ पे लिखा जाएगा 8, यहाँ पर एक दो तीन चार पांच जीरो, एक दो तीन चार पांच जीरो एंड देन नाउ सब्ट्रैक्शन करेंगे, 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ बचा 9, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ बचा था 1, 1 में 0 गए तो 1, 0 में 0 गए तो 0, यहाँ है 10, 10 में 6 गए तो 4 और यहाँ 9 एंड 9, तो 9940112 इज आवर आंसर। ओके, नाउ वी विल डू सम एचओटी। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ एफ If x square plus 1 upon x square is equal to 7, find the value of x cube plus 1 upon x cube and x cube minus 1 upon x cube. Okay. तो आपको यहां से स्टार्ट करना है, x square plus 1 upon x square. ये हमने पहले भी किया, हमें क्या करना है, इसलिए 1 upon 1 plus x whole square लिखना है, which is equal to a square plus 2ab plus b square. Okay. ए हमारा x है, बी यहाँ पे 1 अपॉन x है, तो x 1 अपॉन x, x एंड 1 अपॉन x एंड वी विल गेट x स्क्वायर प्लस x से x कैंसिल 2 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, ओके इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 7, 7 प्लस 2, ओके एंड x प्लस 1 अपॉन x होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 9। दिस इंप्लाइज x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू मिलेगा अंडर रूट 9, प्लस माइनस दोनों मिल सकता है, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस माइनस 3। नाउ मुझे निकालना है x क्यूब प्लस y क्यूब, तो मैं लिखूंगा x प्लस 1 अपॉन x होल क्यूब इज इक्वल टू 3 प्लस वैल्यू लेके कर रहे क्वेश्चन भैया, तो फॉर्मूला लिखेंगे हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 27। तो यहां पर ए हमारा x है और b हमारा 1 अपॉन x, तो x 1 अपॉन x, x 1 अपॉन x और यहां पर x प्लस 1 अपॉन x आएगा। ओके, तो हमें मिल जाएगा x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब, यहां पर x से x कैंसिल तो प्लस 3 और x प्लस 1 अपॉन x वैल्यू लेना है 3 लेके चले ना, तो 3 इज इक्वल टू 27। तो दिस इंप्लाइज x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू 27, योर 9 योर जगह यहां पे सब्ट्रैक्शन मैं ले लेगा, x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब इज इक्वल टू 18। तो दिस इज आंसर, ये आंसर कब आया, जब मैंने ये वैल्यू प्लस 3 ली है। अब अगर हम माइनस 3 लेके करें तो हमें कैसे मिलेगा, x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू हमने लिखा माइनस 3 होल क्यूब, करा होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3 होल क्यूब, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा सेम, यहां से लेके लिख लेते हैं x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस 3 इंटू x प्लस 1 अपॉन x, यहां से देख रहे हैं, यहां से कॉपी कर रहे हैं, इजिकल टू माइनस क्यूब माइनस होता है 3 का क्यूब 27। दिस इंप्लाइज एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस 3 लिए ना हमने, इजिकल टू माइनस 27। दिस इंप्लाइज एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इजिकल टू माइनस 27, माइनस में घर जाएगा तो प्लस 9,
This implies x cube plus 1 upon x cube is equal to minus 80. तो हमें ये वैल्यू मिलेगी x cube plus 1 upon x cube की, दो वैल्यू मिल सकती है plus 18 and minus 18. ओके अब हमें निकालनी है x cube minus y cube की वैल्यू. उसके लिए मुझे x minus 1 upon x की वैल्यू पता होनी चाहिए. तो मैं ऐसे लिखूंगा देखो, नाउ x माइनस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर. तो मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? फाइव. सेवन. तो सेवन माइनस टू इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? फाइव. तो उससे मुझे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव मिला ना. तो दिस इंप्लाइज एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ फाइव प्लस माइनस वन. अगेन एक बार वैल्यू प्लस लेंगे और एक बार वैल्यू माइनस लेंगे. तो हम एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू हमारा रूट फाइव. बोथ साइड क्या करेंगे? होल क्यूब. तो हम यहां फॉर्म लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab into a plus b is equal to root 5 का क्यूब करेंगे तो कैसे होगा? root 5 into root 5 into root 5. root 5 into root 5 जो हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है. ओके और यहां आएगा x माइनस वन अपॉन x x माइनस वन अपॉन x. ओके तो मुझे मिल गया यहां पर x क्यूब माइनस वन अपॉन x क्यूब प्लस इंटू माइनस माइनस एक्स एक्स कैंसिल हो गया थ्री. और यहां पे हमें करेंगे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, उसकी वैल्यू कितनी है? रूट फाइव इज इक्वल टू फाइव रूट फाइव. तो हमें मिल गया एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, यहां पे है फाइव रूट फाइव, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस थ्री रूट फाइव. तो दिस इंप्लाइज एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा एट रूट फाइव. ओके ऐसे ही आप माइनस रूट फाइव वैल्यू लेके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. ओके तो ये हमने पहले भी किया था सेम वैसे क्वेश्चन. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर. क्वेश्चन नंबर टू, गिवन टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू 13 एंड एक्स वाई इक्वल टू 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ एट एक्स क्यू प्लस टू वाई. तो ऑब्वियसली हमें इसका क्या करना है? होल क्यूब करना है. क्लियर होगा आपको, हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और हमें दोनों साइड का क्या करना है? होल क्यूब करना है. दैट्स ऑल. तो फॉर्म लिख देंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 13 क्यूब. 13 क्यूब करोगे तो 2197 आ रहा है. 13 का 2169 इंटू 13, ठीक है. ओके 2197 सो दिस इज द क्यूब ऑफ 13 और यहां पर हमारा आएगा 2x 3y 2x 3y एंड 2x प्लस 3y. ओके तो हमें मिल जाएगा यहां पर 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 3 × 6 एंड 6 × 18 इंटू 2x प्लस 3y. 2x प्लस 3y की वैल्यू कितनी है? 13 इज इक्वल टू 2197. दिस इंप्लाइज 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 18 xy की वैल्यू कितनी इवन है? 6 इंटू 13 इज इक्वल टू 2197. नाउ 13 × 6 = 78. 78 इंटू 18 करना है. 8 × 64 कैरी ओवर 6. 8 × 7 = 56. 56 एंड 6 62 एंड 78 तो 4040. तो मिल जाएगा 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 1404 इज इक्वल टू 2197. ये रह जाएगा सेपरेट होगा. तो 2197 और 1404 सेपरेट किया तो 793 आएगा. तो आंसर हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 27 y क्यूब इज इक्वल टू 793. सब्ट्रैक्शन सही है ना? 7 में से 3 9 और 21 14 7. ओके
So that's all for this session. Thank you very much.